अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ प्रिस्टिना में। ये कोसोवो का कैपिटल है। बड़ा खूबसूरत आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग्स वगैरह है और ये एक मेन चौक है। आप चौक कह लो या स्क्वायर कह लो, इस स्क्वायर का नाम है जी मदर टेरेसा बोलवार्ड। और मदर टेरेसा आपको पता होगा या नहीं, वो यहाँ पे पैदा हुई थी, ये अल्बेनिया पे ना, अल्बेनिया में, मैसेडोनिया में। तो यहाँ पे इन कंट्रीज में ना मदर टेरेसा के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद रहती है। तो आज की वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कोसोवो जो है यूरोप का पोरेस्ट कंट्री क्यों है। वैसे तो ये सेकंड नंबर पर पोरेस्ट में आता है, लेकिन फिर भी आप पोरेस्ट कह सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। जो सबसे पोरेस्ट कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे, उसका नाम है मोल्दोवा। और मोल्दोवा अभी यहाँ पे करीब ही है रोमानिया के साथ, लेकिन ये जो कोसोवो है यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, तो ये जो है ना यूरोप का, आप कह सकते हो कि जो मेन लैंड यूरोप है ना, उसका सबसे चीप कंट्री है, सॉरी सबसे पुअरेस्ट कंट्री है। और इसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है। इसकी एक मेन वजह ये है कि यहाँ पे जंग हुई थी 1999 में, 1998 में, आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग PTV वगैरह पे खबरों में सुनते थे ना कि यहाँ पे जंग हो रही है और ये हो गया कोसोवो में, वो हो गया, क्योंकि बेसिकली ये एक मुस्लिम कंट्री है, राइट। और ये बेसिकली पहले सर्बिया का हिस्सा था, लेकिन फिर इन्होंने जो है ना सर्बिया के साथ टेंशन्स की वजह से, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है और सर्बिया जो है क्रिश्चियन कंट्री है, तो इनका आपस में जो है मसले मसाइल होते थे उस टाइम, क्योंकि ये दोनों बेसिकली एक ही एथनिक ग्रुप है, लेकिन सिर्फ मज़हब चेंज है इनका। तो उस वजह से फिर जंग छिड़ गई, राइट। तो बहुत ख़तरनाक जंग हुई थी और यहाँ पर सर्बिया ने हमला किया था और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था ये कोसोवो को, जिसकी वजह से यहाँ पर नेटो और अमेरिका वगैरह ने यहाँ पर जो है ना वो इंटरवीन किया था और जंग वगैरह को रुकवाया था। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि आगे बहुत सालों तक जो है ना फिर कोसोवो को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना रहा और यहाँ पे एक इंटरनेशनल फोर्स पुलिस बन गई थी, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। और फिर उसी को लेते चलते चलते यहाँ पे 2008 में इन्होंने आज़ादी का ऐलान किया था। तो अभी ये बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, इन दुनिया के आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ ने, लेकिन सर्बिया अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, रिकोगनाइज़ नहीं करता। तो जिसकी वजह से यहाँ पे उतना बिजनेस नहीं हो पाता, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती जितनी आनी चाहिए, जिसकी वजह से ये गरीब कंट्रीज़ में जो है अभी तक मौजूद है। और गरीब कंट्री का पैमाना कैसे होता है, वो ये होता है कि मिनिमम वेज कितनी है, यानी एक बंदा मिनिमम कितना पैसा कमा सकता है इस कंट्री के अंदर, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो कंट्री कितनी गरीब है, यानी पर कैपिटा इनकम जो होती है। तो यहाँ पे जो इस वक्त मिनिमम वेज है, यानी कि एक बंदा एवरेज मिनिमम कितना कमा सकता है, एक आप कह लो कोई मजदूर हो या बिल्कुल निचले तबके वाला बंदा हो, तो वो जितने पैसे कमा सकता है पर महीने, या हुकूमत ने जो रखा हुआ है कि इससे कम तनख्वाह किसी को नहीं दे सकते आप, तो वो कितनी है, वो यहाँ पे 262 यूरो है, क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो है। तो इनकी जो मिनिमम जो वो है ना वेज है, वो 262 यूरो है, जो कि यूरोप के हिसाब से बहुत कम है और इससे ज़्यादा जो है, इससे कम मोल्दोवा का है, सिर्फ मोल्दोवा जो कंट्री है उसका थोड़ा सा इससे कम है, बाकी इसका जो है ये भी कम में आता है। तो इस वजह से इसको पुअर कंट्री कहा जाता है। और यहाँ पर जो है ना लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि तनख्वाहें कम हैं और बाकी जो है ना लोगों को इतने पैसे नहीं बचते, तो इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि वो दूसरे कंट्रीज़ में जाए, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो ज़्यादा मालदार है। क्योंकि इनके कंपैरिजन में अगर आप यूरोप की बात करें, क्योंकि मैं यूरोप की बात करूँ, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, यूरोप में ये सबसे गरीब कंट्री है, लेकिन दुनिया के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से शायद ये अभी भी अच्छी हो काफ़ी, क्योंकि डेवलपमेंट तो आपको नज़र आ रही है, आप देख सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में $100 है मिनिमम वेज, तो उस हिसाब से तो ये ज़्यादा है। लेकिन अगर यूरोप से हम कंपेयर करें, तो यूरोप में जर्मनी का जैसे फॉर एग्जाम्पल 2500 यूरो है मिनिमम वेज, फ्रांस का 2000 है, नीदरलैंड का 2000 है, लग्जमबर्ग का 2500 यूरो है, तो उस हिसाब से ये कम है, राइट। तो अब लेकिन ये कि इसका फायदा ये है कि यहाँ पे चीज़ें भी सस्ती है, इतनी महंगाई भी नहीं है। अभी हम लोग आए हैं ना, अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो ये इतना महंगा मुल्क नहीं है कोसोवो। अभी हमने हॉस्टल लिया था, सिर्फ 5 यूरो का पर नाइट हमें पड़ा था। और अगर होटल रूम की बात करें तो अभी 20 यूरो में हमने होटल रूम भी लिया था 2 बंदों के लिए। ये पॉसिबल नहीं है दूसरी कंट्रीज़ में। अगर आप यूरोप में की बात करें तो जर्मनी और नीदरलैंड वगैरह में, जर्मनी और नीदरलैंड वगैरह में जो है ना 100 यूरो में भी आपको रूम नहीं मिलता, और हॉस्टल सिर्फ $40-50 का मिलता है, क्योंकि मैं वहाँ भी जा चुका हूँ। दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे मतलब अभी हम लोग एक जूस और कॉफ़ी पी रहे थे, तो वो हमें सिर्फ 1 यूरो का मतलब पड़ा। खाना पीना अगर आप यहाँ पर खाते हो कोसोवो में, तो आराम से 4-5 यूरो में खा सकते हो एक टाइम का खाना, वैसे 1-2 यूरो में भी खा सकते हो, लेकिन 4-5 में तो ईज़िली मिल जाता है, ठीक है। ये जो है ना स्विट्ज़रलैंड जर्मनी वगैरह में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कम अज़ कम
एक टाइम का खाना आपका 20-25 यूरो का आ जाता है। उसके अलावा जैसे कि टैक्सी जो है ना वो सिर्फ 2 यूरो में यहाँ पे मिल जाती है। आप टैक्सी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो 2 यूरो खर्च करके आप जा सकते हो। ये चीज़ जो है ना दूसरे कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। दूसरे कंट्रीज में अगर आप जाते हो तो 10-12-15 यूरो लग सकते हैं, और फूड भी, ट्रांसपोर्ट वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ कोसोवो में। वैसे अगर आप यूरोप के दूसरी कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी। तो ट्रेवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोसोवो बेहतरीन है। कोई भी विजिट करना चाहता है तो उनको कम से कम बजट में यहाँ पे पड़ जाएगा। लेकिन ये है कि कंट्री जो है पुअर है, और उसका मैंने रीज़न आपको बताया कि क्यों पुअर है। ऑल्दो ये कंट्री जो है ये यहाँ पे यूरो चलता है, ऑफिशियल करेंसी है, लोग भी अच्छे हैं, बिल्कुल गोरों की तरह नज़र आते हैं, जर्मन या फ्रांस की तरह नज़र आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेल डेवलप्ड है, और अभी टूरिज्म सेक्टर भी यहाँ पे जो है ना वो हो रहा है, यानी कि टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी बिल्ड हो रहा है। तो आराम आराम से यहाँ पे बेहतरी आ रही है, और वो भी हो रहा है, यानी कि लोगों की लाइफ बेहतर हो रही है, इनकम भी बेहतर हो रही है। लेकिन इस वक्त ये यूरोप की पूरेस्ट कंट्रीज़ में आता है, तो मैंने कहा आपको ये कंट्री थोड़ा सा दिखा दूँ और इसके बारे में मालूमात भी दे दूँ, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, और ये है मेरा कंट्री नंबर 70। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग ये वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।